हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज क्लास 9th में मोशन चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो हम लोग आज डील करेंगे एंड दैट टॉपिक डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बट ग्राफिकली नॉट मैथमेटिकली। You know that there are three equation of motion. First equation, v is equal to u plus at. Number two, s equal to ut plus half at square. And number three equation, v square is equal to u square plus 2s. Number one, so ग्राफिकली शो करना होगा। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेल फॉर्म x एक्सिस y एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस पर y एक्सिस पे ले लेंगे वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, जो भी हो यूनिट जो होगी, और ये हो जाएगी आपकी टाइम एक्सिस टी। ओके, लेट्स से बॉडी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम ए पॉइंट वाई एक्सिस पे। ए पर्टिकुलर पॉइंट है क्योंकि ये वेलोसिटी हो जाएगी ये पूरी, तो ए पॉइंट से बॉडी ट्रेवल करनी शुरू करती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आपने इंडिकेट किया इनिशियल वेलोसिटी क्या स्मॉल यू के द्वारा। After t time और after t second लेट अस से t second यहां तक ले लेते हैं बॉडी की वेलोसिटी को, सॉरी बॉडी के टाइम को। ए हो गई, ये होगी t time। t second में बॉडी की वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, इसके सामने यहां से परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर देंगे, यहां से परपेंडिकुलर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ तो आगे भी बढ़ती चल जाएगी बट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। थोड़ा सीधा इसको करेंगे। ओके, इस ग्राफ को भी ऊपर बढ़ाना होगा। यहां से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस जो आपका टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल में ड्रॉ करेंगे। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज व्हाट। मैंने अभी माना कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यानी ए पोजीशन पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू थी। आफ्टर टी सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बॉडी की यहाँ होगी। क्यों, यहाँ का मतलब हो कि इसके सामने जाइए तो यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी आपकी वी। तो यहाँ से यहाँ वी ये इंडिकेट करना होगा। लेट अस से मैं नेमिंग कर रहा हूँ ओ ए, लेट अस से बी सी डी और मैंने यहाँ डाल दिया सॉरी ई। ओके, तो हम लोग इसको मेंशन करेंगे कैसे। इनिशियल वेलोसिटी, लेट द बॉडी बिगिंस देयर जर्नी फ्रॉम पोजिशन ए एंड इनिशियल वेलोसिटी इज यू। आफ्टर ट्रेवलिंग टी सेकेंड लेट देयर फाइनल वेलोसिटी विल बी वी, यानी OE दैट इज इक्वल टू V। तो OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BD हो जाएगा। तो BD इक्वल टू हो जाएगी पूरी यहां से यहां तक आ जाएगी V। ओके, हम इस चीज को यहां पर हम मेंशन करते हैं, नोट करते हैं यहां पर। लेट इन वेलोसिटी, लेट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अ बॉडी बिगिंस देयर जर्नी, द बॉडी जर्नी
विथ यू मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर टी सेकेंड लेट देयर फाइनल वेलोसिटी विल बी वी मीटर पर सेकेंड। ओके, और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन यहां से आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, तो इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, तो यहां मेंशन करेंगे लेट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, या इसको हटा देंगे, वो तो मेंशन करेंगे ही, लेट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी बी ए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? ए, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहां पर चूंकि हम लोग बाकी इक्वेशन में एक बात ध्यान देना होगा, अभी जो मैंने यहां से चीज जो बताया कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यहां से यहां तक सारे में ये मेंशन करना होगा, लेकिन इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री, बिकॉज यहां पर आपका डिस्टेंस टेबल आया हुआ है, यस, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए स्पेशल में आपको यहाँ मेंशन करना होगा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज एस, या इस तरह का आपको स्टेटमेंट जारी करना होगा, लिखना होगा, मेंशन करना होगा। तो चूंकि इसमें जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, अगले बार में आपका ये जो प्रूफ करूंगा तो इसको मैं बताऊंगा। एनीवे, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बॉडी प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स दैट आपका, इट मीन्स दैट ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए। नाउ हमारा, हमको निकालना है क्या, वी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूफ करना है। वी कहां से कहां तक है? बी डी होगी ये पूरा वी, यानी वी कैन राइट इट बी डी इज इक्वल टू, बी डी को दो सेक्शन में तोड़िए, बी सी प्लस सी डी, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बी डी इज इक्वल टू वी, बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, लुक हियर, BC is equal to AO is equal to U. BC is equal to AO plus CD. इसको आप CD कैरी करेंगे, यहाँ cos डालेंगे, because BC is equal to AO equal to U. अब मैं आगे पुट कर देता हूँ, AO is equal to how much? U plus CD. That's equation number one. यहाँ तक मैंने ले आया, B is equal to U plus CD. Now we have to calculate the value of CD. कैसे calculate करेंगे? Also, we know that अभी मैंने आपको बताया कि ये जो होगी AD जो होगी ये पूरी acceleration होगी because velocity time का। Acceleration की value कैसे निकलेगी? याद कीजिए ये क्या है actually में? A is equal to what? Slope. स्लोप और ग्रेडियंट, और स्लोप की वैल्यू कैसे निकलती है? CD बाई AC, बिकॉज अगर स्लोप निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? ये चीज अगर आपको, जिस स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट हो रहा हो, तो स्लोप निकालने का जो तरीका है, जो मैंने यहाँ बताया कि डायरेक्ट मैंने लिखा कि ये इज इक्वल टू दिस बाई दिस, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पिछले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उस पार्ट में जाके देखेंगे, एक्सेलरेशन जहां पर एक्सप्लेन किया है वहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्लोप इजिकल टू हो जाएगा CD बाई AC। आपको CD फाइंड करनी है, AC नोट यहां ध्यान दीजिएगा, AC इजिकल टू क्या हो जाएगा? OB, CD बाई AC इजिकल टू क्या हो जाएगा OB, CD बाई OB इज इक्वल टू हाउ मच? OB इज इक्वल टू T, क्योंकि ये टाइम आपका T सेकेंड के बाद
ये बात की गई है, वो भी ये टाइम टेकन कितना है, टी है। आप डाल सकते हैं ये बड़ा, यहां पर मैंने डाल दिया है। ओके नाउ अब इन दोनों के लेंगे, यानी फाइनली आपने पहुंचा, यहां पर मैं लिख रहा हूं फाइनली क्या हुआ, ए इक्वल टू सी डी बाई टी, ए इक्वल टू सी डी बाई टी, इट मीन्स दैट सी डी इज इक्वल टू ए टी। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, सी डी इज इक्वल टू ए टी, इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो आपने क्या प्राप्त किया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जो था ये फाइनली प्रूफ हो गई, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई थिंक सो इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, हम आगे टॉपिक में चलते हैं। सेकेंड पार्ट, वी हैव टू शो इट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ये हम लोग का है, ये प्रूफ करना है। तो जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया कि सारा इन्फॉर्मेशन सेम होगा, ग्राफ भी सेम होगा, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से शुरू कर रही है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, बॉडी की वी है, सॉरी यू है, बट आफ्टर 3 सेकेंड ये बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी, यानी ओ ही आ जाएगी, यानी वी। टोटल इन्फॉर्मेशन वो चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया कि आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन 3 सेकेंड, लेट इन 3 सेकेंड बॉडी कवर्स डिस्टेंस एस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 3 सेकेंड में, बॉडी ने एस डिस्टेंस ट्रेवल की। नाउ हम लोग चूंकि डिस्टेंस कवर निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड, याद कीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि डिस्टेंस कवर्ड कैसे होता है, द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, इसके बीच का एरिया यानी ये पूरा का पूरा रीजन, ये हो जाएगा पूरा डिस्टेंस कवर्ड। सेम प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे। नाउ डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इजिकल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या सिर्फ आप लिखिए ग्राफ, लिखिए डायरेक्टली ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ, इस एरिया में दो पार्ट तोड़ेंगे, या पहले आप इसको नोट कर लेंगे, एरिया ऑफ ओ ओ बी डी ए, ओ बी डी ए यानी ये पूरा एरिया, ओ बी डी ए ये पूरा एरिया। अब इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे क्योंकि हमारा ये ग्राफ में, इसमें एक हिंट्स आपको देता हूँ, ये ग्राफ में भी आप देखेंगे दो पार्ट है, तो ये पूरे फिगर को दो हाफ में बांटेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का और एक हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया। जब इस दोनों का एरिया इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेटली निकालोगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे, ये पूरे पार्ट को दो हाफ में, दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जन पोर्सन ओ बी सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगुलर पोर्सन ए सी डी, ए सी डी ये पार्ट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्सन ओ बी सी ए इस पार्ट का, दैट्स इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी हो जाएगा आपका ओ ए इंटू ओ बी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस आपका हो जाएगा ए सी इंटू हाइट दैट इज सी डी।
ओ ए इज इक्वल टू यू, ओ बी सॉरी ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, यानी आपका यहां से रिजल्ट आ गया यू टी प्लस हाफ ए सी, ए सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू टी, हाँ, और इनटू आपका आ जाएगा सी डी। यहां पर कॉस जरूर डाल देंगे क्योंकि ए सी की जगह आप मैंने लिखा टी, तो ए सी यहां आपको क्या लिखना होगा ए सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू टी, यहां जगह नहीं है थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान देंगे, ए सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू टी। अब हम लोग यहां पिछले इक्वेशन वन में आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब ये फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे थे मैंने वहां सी डी का वैल्यू निकाला था, सी डी इज इक्वल टू ए टी मैंने निकाला था। इस चीज को अगर एग्जाम में आए तो आप अलग से फिर से करके दिखाएंगे, मैंने वहां से आप कैरी कर सकते हैं, वहां से जो मैंने लिखा था ए से वहां से आप इसको कैरी करेंगे। ओके, यहां तक हम लोग आया यू टी प्लस हाफ टी इंटू सी डी, और ये डिस्टेंस डबल था तो इसको यहां पर डाल देंगे एस, तो सेम चीज यहां कैरी करेंगे, मीन्स दैट व्हाट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आ गया हाफ टी इंटू सी डी, सी डी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए टी। यहां पर अगर आपको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहां पर एक चोरी में एक ऐसे निकला था, मैं मेंशन कर देता हूं पिछले वाला, सी डी बाई ए सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा और ए सी इज इक्वल टू फिर हो जाएगा टी, देयर फोर सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए टी। ये पार्ट हो गया, यानी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ये हो गई, प्रूव्ड हो गई सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन मैंने प्रूफ किया। थर्ड इक्वेशन में चलते हैं, नंबर थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। सारा इंफॉर्मेशन याद कीजिए, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन जो दिया यहां से पूरा लेट द बॉडी बिगिन देयर जर्नी वहां से शुरू करना होगा आपको, अप टू एस लेट द डिस्ट इन इन टी सेकेंड द डिस्टेंस टेबल विल बी इक्वल टू एस, यहां तक आपको मेंशन करना होगा, इसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेशन में चलेंगे। आप इस बात को फिर से नोट करेंगे, यहां पर फिर से एक बार एस आ गया, यानी डिस्टेंस कवर्ड की बात आ गई है, तो हम लोग डिस्टेंस कवर्ड के बारे में हम ध्यान देंगे। डिस्टेंस कवर्ड के लिए फिर आपको एक फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा एरिया हम लोग को फिर से निकालनी होगी, तो चलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड दैट इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी सी डी, और यू कैन से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओ बी डी ए, ये ट्रेपेजियम एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रेपेजियम। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नाउ यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पैरेलल साइड क्या क्या हो गई, ये दोनों पैरेलल साइड हो गई बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, आपको पता है हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, ये हो जाएगी ओ बी। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये हो जाएगी और वो हो जाएगा बी सी, ए ओ प्लस बी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा आपका ओ बी। ओके, हाफ ऑफ ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू यू प्लस बी डी, बी डी इज इक्वल टू फाइनली क्या है, बी डी इज इक्वल टू वी है, और इंटू ओ बी, ओ बी ओ बी दैट इज टी। ओके, हाफ ऑफ यू कैन राइट वी प्लस यू, और इंस्टेड ऑफ टी वी कैन राइट व्हाट, सिंस ए इक्वल टू व्हाट वी माइनस यू बाई टी, टी इज इक्वल टू व्हाट वी माइनस यू बाई ए, इसी प्रॉपर्टीज का यहां हम लोग यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, यू कैन राइट इट एज सिंपल सा एलजेब्रा है,
बाई 2a। ऑब्वियसली इधर से s आ रही है, ए s इधर, ओके। यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन 2as इजिकल टू, ये आपका कौन सा फॉर्म है, पैटर्न है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यू नो दैट ए प्लस बी ए माइनस बी मैथमेटिकल या अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। वहीं से डायरेक्टली लिखिए, एक्चुअली में क्या हो जा गई है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इस तरफ लाइए, यानी यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इजिकल टू वी स्क्वायर, यानी फाइनली मेरा प्रूफ हो गया वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये आ जाएगा। यानी दोनों में आपने बेसिक डिफरेंस क्या देखा, सेकेंड इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग करके ये दोनों को समेशन जब कर देंगे, समराइज कर देंगे, तो आपका ये टोटल डिस्टेंस कवर निकल जाएगा। और थर्ड वाले पार्ट के लिए सीधे आपको ट्रेपीजियम में चले जाना है, ट्रेपीजियम के एरिया निकाल लेंगे, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगी। ओके, अब इसका लास्ट टॉपिक आ जाएगा हम लोग का, वो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन, मतलब बॉडी हैज टू ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर पाथ। थोड़ा सा इसको ओवल हो गया, थोड़ा सा सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे, मैं इसको हाथ से बना रहा हूं। ओके, तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी हैज टू ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि ये यूनिफॉर्म लिखा गया है, मतलब बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से है, यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करना होगा। यानी बॉडी हैज टू ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर की बात तब होगी जब, इसके लिए दो कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन हो गई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, है तो यहाँ सर्कुलर पाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिफॉर्म स्पीड, ये दोनों का दोनों होगा तब जाकर के ये बोलेंगे कि बॉडी जो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव करेगी। फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, आपने अगर जिसको डाउट हो रहा होगा वो फिर से रिकॉल कर लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या था। व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा इक्वल इंटरवल टाइम में, यानी पूरे इंटायर सर्कुलर पाथ पे बॉडी को हर एक एक सेकेंड में बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कवर्ड अगर एक समान होगी तो बोलेंगे क्या, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कोई बॉडी रेक्टेंगुलर पाथ पे अगर मूव करेगी तो बॉडी जहां कहीं से अगर शुरू करेगी मूव करना, बॉडी हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन अप टू इनफिनिटी, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, फोर टाइम्स। सर्कुलर पाथ पे बॉडी को मूव करने के लिए कितने पॉइंट्स होंगे सर्कुलर पाथ पे, योर आंसर इज इनफिनिट। सर्कुलर पाथ पे कितने पॉइंट होंगे, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अब ये देख लीजिए कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल था, यानी रेक्टेंगुलर पाथ या स्क्वायर पाथ जो भी बोल दीजिए, वहां पर बॉडी को चार बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। बट इस पॉइंट पे बॉडी को कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, लेट अस से अगर यहाँ से एक स्टोन हम टाई करके अगर हम विद द हेल्प ऑफ हैंड अगर रोटेट कराते हैं, तो बॉडी जो होगी वो अगर यहाँ से धागा को कट कर दिया जाए तो बॉडी टेंजेंटियल डायरेक्शन बनाते हुए बॉडी आगे निकल जाएगी, है। हालांकि इधर की ओर लग रहा है आपका ये बॉडी लगातार रोटेट क्यों कर रही है, सेंट्रीपिटल जो ना हम लोग एक फोर्स जो है लगाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी बट इट एक्ट इन अ टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण बॉडी जो है लगातार रोटेट करती रहती है। लेकिन अगर यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स अगर खत्म कर दिया तो बॉडी टेंजेंटल डायरेक्शन बनाते हुए निकल जाएगी। यहाँ पर भी बात करेंगे, यहाँ से बॉडी टेंजेंटल डायरेक्शन बनाते हुए सब जगह से देखेंगे, यहाँ भी बॉडी अगर आएगी, ये स्टोन अगर आई तो यहाँ से टेंजेंट बनाते हुए निकल जाएगी। यानी बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन अप टू इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स,
when it moves on a circular path. Therefore, we will assume that the body moving with the uniform speed. Yes, this statement is 100% correct. But जब हम लोग यहां पर भूल करके भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना बोलेंगे, जब बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करेगी ना तो वेलोसिटी नहीं होगा, स्पीड होगा. बिल्कुल राइट है, स्पीड हो सकता है लेकिन वेलोसिटी क्यों नहीं होगी? बिकॉज बॉडी हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन अप टू इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स. जिन स्टूडेंट को जहां डाउट हो तो वहां पर वो लास्ट एपिसोड में जब हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहां पर जाके देखिएगा. वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था, वी कैन चेंज द वेलोसिटी बाय टू वेज, आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, यानी बॉडी की स्पीड जो होगी उसको चेंज कर दें तो चेंज कर जाएगी, या अगर डायरेक्शन को चेंज कर दें. तो यहाँ डायरेक्शन चेंज की जा रही है, स्पीड तो कॉन्स्टेंट रखी जा रही है. दैट इज वाई देन सच टाइप ऑफ द मोशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन. तो इसका डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे जितने भी आपके आपका सोलर सिस्टम देख रहे हैं, सोलर सिस्टम में यहाँ पर आपका सन है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अराउंड द सन लगातार रोटेट कर रहे हैं. ये तो मैं आपको इस केस में बताऊं कि ये बॉडी जो है जब हमारी प्लैनेट रोटेट करती है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पर बॉडी की स्पीड जो चूंकि लगातार चेंज कर रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन. हमेशा ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वाई द बॉडी मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, सॉरी वेन द बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, वाई इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, बिकॉज ऑल द टाइम इन बॉडी इन चेंज इट्स डायरेक्शन. ये इसका आप बताएंगे कि बॉडी अपने डायरेक्शन लगातार चेंज करेगी, दैट इज वाई है इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे डिफिनेशन से पता चल जाता है. आगे एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, अगर हम कोई स्पीड निकालनी होगी, स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, अगर सर्कुलर ट्रैक पे बॉडी मूव कर रही है तो उसमें स्पीड कैसे निकलेगी? स्पीड इज इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस बाय टाइम. लेट अस से इसकी डिस्टेंस अगर आर है, सर्कुलर पाथ है, डिस्टेंस आर है, तो इसका डिस्टेंस एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 2πr, यानी वेलोसिटी वी इज इक्वल टू या स्पीड वी इज इक्वल टू 2πr बाय टाइम. लेट अस से टाइम आपका एक रिवोल्यूशन में जो टाइम टेकन लगा वो टी, यानी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट इट हाउ मच द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे कुछ, आपको अगर डाउट हो तो आप पूछेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब मी एंड मोटिवेट मी. थैंक यू वेरी मच. ओके.